जय श्री राम। मित्रों मित्रों, कभी कभी डर लगता है जब हमें कोई सजा मिलती है या कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना में अपना कोई अंग गवा बैठते हैं। हमें ये लगता है कि ये सजा हमें किसी भगवान ने दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनकी वजह से हमें ये सजा इस जन्म में मिलती है। प्रभु की भक्ति करने से ये पीड़ा या ये सजा कब हो सकती है या बिल्कुल समाप्त भी हो सकती है, लेकिन जब हमें ये सजा मिलती है हमें अपने पूर्व जन्म के कर्म का पता नहीं होता और सारा का सारा दोष हम अपने उस प्रभु पे लगा देते हैं जिसकी हम पूजा कर रहे होते हैं। तो मित्रों, हमें उस सजा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। हमारा किसी दुर्घटनाग्रस्त में अंग खोना या कोई भयंकर बीमारी होना हमारे पूर्व जन्म के ही पाप का कारण है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें हमारे कोई जन्म का ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें दंडित कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचे। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म की सजा हमें मिल रही है। हम तो सिर्फ उसे पूजा पाठ करके कब कर सकते हैं या बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये विषय कैसा लगा जरूर बताइए। जय श्री राम।